नमस्कार, पीके वी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपको 10th क्लास का इतिहास लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी हिंद चीन में कैसे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था, उस चैप्टर के बारे में हम आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन का सीरीज बना हुआ है, आप मेरे साथ इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और देखेंगे आपका कितना स्कोर गया है, आप कमेंट करना ना भूलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो कहाँ है? कंबोडिया में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ज़बरदस्त। दो में है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो चीन शामिल नहीं था, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 2018 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन है अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। क्या आंसर होगा मेरे मित्र? सी अब पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? चार नंबर क्वेश्चन, तो तिनसिन, कैंटन, होचीमिन, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि यह हनोई समझौता था। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्च 1946 में जो समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, वह हनोई समझौता था, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? पाँच का, 1975 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हो ची मिन मार्ग किस से होकर गुजरती है? ऑप्शन है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उपर्युक्त तीनों देश से। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों देश से। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। समय ज़्यादा लगेगा इसलिए हम तेज़ी में थोड़ा चल रहे हैं। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? क्या है मेरे मित्र, कमेंट करें। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, तो हो जाएगा कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आठ के बाद नौ नंबर क्वेश्चन, कोलन कौन था? कोलोन कौन था? तो कोलोन वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक था। फ्रांसीसी नागरिक जो वियतनाम में रहता था उसको कोलोन कहा जाता था। कॉन्फ्यूशियस कौन था? तो एक चीनी लेखक था। कॉन्फ्यूशियस कौन था? एक चीनी लेखक था। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या है? तो हो ची मिन का दूसरा नाम है न्यू मिन आई कोक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 के बी, 2 सितंबर 1945। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? टोकन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? 13 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी देशों की शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किया गया था। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित की गई थी? 14 का क्या आंसर होगा मेरे मित्र? ऑप्शन हो जाएगा डी, हो ची मिन। वियतनाम राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? 15 का, वियतनाम राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हो ची मिन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन था। कौन था? निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लाओस, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, कंबोडिया। तो दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 19 में, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो फान बाउ चाउ ने लिखा था, फान बोई चाउ ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन थे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो मेरे मित्र, जिनेवा समझौता कब हुआ?
तो 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध स्थापित हुआ था, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। वियतमिन की स्थापना किसने की थी, वियतमिन की स्थापना किसने की थी, तो होचीमिन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिनेवा समझौता किस देशों को दो भागों में बांट दिया, तो जिनेवा समझौता वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी वियतनाम दूसरी दक्षिणी वियतनाम। माइली गांव हत्याकांड को जिम्मेदार कौन देश था, तो माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार अमेरिका था। अंकोरवाट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। नेक्स्ट है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, 1907 में हुआ था, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो कोलोन कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे, तो हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फू सो। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, ऑप्शन है फाउन यू चिन, हो ची मिन, वियतमिन, फाउन बू चाउ, तो 30 का आंसर हो जाएगा हो ची मिन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वियतमिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी कब, कौन किया था, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे मित्र, बी हो ची मिन। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं आपको। फ्रेंच इंडो चाइनो की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1887 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। या वीडियो जिस प्रकार से आपको चाहिए कहिएगा, तो सभी ऑप्शन हम बताएंगे, कमेंट आप हमें करें। आपके अपने चैनल है पीकेबी मैथ्स, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, तो इंडो चाइना फ्रांस का उपनिवेश था। होचीमिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होचीमिन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक यानी रास्ता बताने वाला। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कराया था, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए हम भारत में राष्ट्रवाद अगला चैप्टर लेकर आएंगे, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा में उच्चतम स्कोर प्राप्त करें, तो आपके अपने चैनल पीकेबी मैथ्स को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।